लेखन का टिप जानना चाहूंगी। हालांकि आपने लिखा है कि अच्छा लेखन कैसे करें, अच्छा लेखन कैसे हो, तो मैं अगर उपन्यास लिखना चाहूँ तो उसमें मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? लेखन की कोई टिप होती और उपन्यास लेखन की कोई टिप होती तो सबसे पहले मैं उस टिप का इस्तेमाल करूँगा। क्रिएटिव राइटिंग का सबसे बड़ा फंडा यही है कि क्रिएटिव अर्ज होती है। एक तो हम लिखते हैं, जब शोध लेख लिखते हैं तो उसमें तो हमारा एक पर्पज होता है और हमको पता होता है कि हाइपोथेसिस है और ये लिखना। यानी जब क्रिएटिव राइटिंग से उपन्यास लिखना है तो उसके लिए आपके मन में एक प्लॉट पैदा होता है। इसीलिए आपने लड़की पाकिस्तान से चार और वह आकर के सचिन नाम के लड़के से और उसी मोहल्ले की एक दूसरी आती है कि सचिन में क्या है और वह 30 सेकंड का भी लपूसा सचिन उपन्यास पैदा होता है। यह घटना कि वो लड़की वहां से आई और यहां रहने लगी उसमें कथा नहीं, कथा वहां है जहां पर है लोगों के हित चर्चा। जैसे सीता राम की कथा में लोका को बाद जो सीता के साथ बोला उससे कथा में है। तो यदि आप उस बिंदु को अपनी जिस जो भी कथा करना अगर आपने उस बिंदु को अपने दिमाग में रख लिया तब आप लेकिन यदि आप अपने दिमाग में कोई ऐसा बिंदु मस्तिष्क में ऐसी बात नहीं है तो आप कहा नहीं लिखेंगे। वर्णन करेंगे रात सुहानी थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे तो आप वर्णन करते चले जाएंगे। तो वर्णन करना या स्त्री का है तो इसका लक्षित वर्णन करना आजकल उपन्यासों में कहानियों में इस तरह का वर्णन नहीं होता। आजकल तो सीधे संवाद पर आ जाते हैं और ये लोगों की उस पर छोड़ते हैं क्योंकि एक तो विश्व एक तरह से ऐसी कहानी लिखी जाती है जो मरीज की सेंसिटिविटी को छूती है। तो यदि आप उपन्यास लिखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि या तो खुद को उस उपन्यास का नायक या नायिका मान लो और अपनी ही कहानी को या फिर किसी और को जैसे कि प्रेमचंद ने किया था। उन्होंने अपने मामा जी को देखा किसी दूसरी स्त्री को, मामा जी का विवाह हुआ नहीं था, किसी दूसरी स्त्री के साथ में उन्होंने बातचीत करते हुए देख लिया और उन्होंने नाटक लिख दिया। वह नाटक किसी को आगे मिला नहीं या तो अपने जीवन का यथार्थ ले लें और उसको इस तरह से प्रस्तुत करें जैसे कहानी यथार्थ को कहानी बनाना पड़ेगा और कहानी कला की विशेषताएं उपन्यास कला की विशेषताएं इन पर गौर होता है। प्रारंभ होता है, अंत होता है, मध्य होता है। 99% कहानियां मीडिया स्पेस ये है बीच से शुरू होती है। ये महाकाव्य है रामचरित मानस बालकांड से शुरू होता है। बालकांड से अपने अपनी कथा को करूंगी बालकांड से शुरू न करूंगी बल्कि ऐसे बालकांड से शुरू करें कहानी पर्ड पक द मदर उन्होंने एक उपन्यास लिखा और उस उपन्यास में सबसे पहला जो प्रारंभ है उसमें यह है कि एक लड़का है उसका आज विवाह होने जा रहा है। आज है स्नान करेगा और स्नान करने से पहले वह अपने बाल नाई के यहां जाकर मुंडवा करा रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपकी सेंसिबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ विवाह में कोई अपने बाल नहीं मुंडवाता नाई के यहां जाकर और स्नान नहीं करता। आज वह स्नान करेगा और जब लोगों ने उस उपन्यास को बढ़ाया फिर चलते चले गए वो उपन्यास जमाता इतना प्रसिद्ध हुआ कि लेखिका को नोबेल प्राइज मिला चाइना
की बस भूमिका है। तो आज इस तरह की हम आपकी बात आपके उपन्यास में, इसको अंग्रेजी में एक शब्द है उप, यदि आपके पहले पहली लाइन में हुक नहीं है, जैसा जैसा मोबी डिक नाम का उपन्यास है, पीपल कॉल मी स्माइल, ही होता है, तो यदि पहली लाइन में ही हुक नहीं है आपकी, तो आगे कोई नहीं पढ़ता। तो आपको अपने पाठक को अपने साथ में ले आना, फॉर ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, जो बातें लोग सोचते समझते रोज करते हैं उसको उस तरह से प्रकट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने लपू झुन्ना कहा, तो वही है, लेकिन उन्होंने एक नया शब्द, एक शब्द ऐसा भी प्रयोग करे जो प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस समय वो क्लिक कर गया। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि सबका आज आज का जमाना शॉर्ट्स का जमाना है, क्या अपनी बात को आप कम से कम शब्दों में कह सकते हैं? अगर आप अपनी बात को 30 सेकंड में 40 सेकंड में कह सकते हैं, तब आप 40 मिनट तक के लिए आपको जी। सर, बेहतर राइटर कैसे बने, इस पर आपने विस्तार पूर्वक चीजें बताई और मार्गदर्शन किया गया था, लेकिन बच्चों के लिए किस प्रकार की तरह देखिए, बेहतर राइटर राइटर कैसे बने में तो चलता है, उसमें भी इतना ध्यान रखा गया है कि टाइटल में बेहतर राइटर कैसे बने, इसमें क्रिया पद जो है वह हिंदी का है, बेहतर शब्द उर्दू का है, राइटर अंग्रेजी का है। तो पहला तो इससे यही सूत्र मिल गया कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आजकल बोली समझी जाती है। बेहतर शब्द का प्रयोग इसलिए भी किया गया क्योंकि जो भी लेखक है उसके मन में कम से कम हिंदी के लेखक में ये बात है कि वह अपने को राइटर समझता है, वो अपने को अच्छा राइटर समझता है, इसलिए उसे बेहतर बनाना है, गुड बेटर बेटर बेहतर मतलब बेटर। उसे मैं कहूँ अच्छा राइटर कैसे बने तो वो नहीं मानता, तो कह रहा मैं तो अच्छा हूं पहले से। एक तो ये खुशफहमी निकाल देनी चाहिए कि कोई पत्र लिखने वाला पत्र लिखकर हो सकता है थोड़ा बहुत लिखने वाला, लेकिन राइटर जिसको ऑथर कहते हैं वह कैसे कर, ऐसा ऑथर जिसे हम कहते हैं कालजी, ऐसी रचना से बार बार पढ़ी जाती है। चंद्र शर्मा बोले जी उसने कहा था, तो आपके बाप उसमें खास बात क्या है, एक प्रेम कथा है जो कहीं बढ़िया लक्ष्मण ढंग से, अगर आप ऐसा बन सकते हैं बेहतर राइटर, अगर विद्यार्थियों को बेहतर बनना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वह उस उन रचनाओं को पढ़ें जो आज के जमाने में बेहतर मानी जाती है। आपको प्रेमचंद से पहले पढ़ना पड़ेगा उस लेखिका को, उसके उपन्यास पर गूगल मिला, इसका मतलब ये नहीं प्रेमचंद का अवमूल्यन करना, लेकिन आपको तो उससे आगे लिखना है ना। अगर आप प्रेमचंद को ही बेस्ट राइटर मान रहे हैं, वैसा ही लिख रहे हैं, तो फिर प्रेमचंद की तो 300 कहानियां पढ़ेंगे, आपको उस रेत समाधि से आगे बढ़ना है। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कुछ और पूछा था आपने, बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए तो यही है कि आप उन्हें ऐसे विषय दें लिखने के लिए कि जो उनके अनुभव से निकले, और अगर बच्चे स्कूल के हैं तो उनको गाइडेड कंपोजिशन देना पड़ेगा, वो उपन्यासकार लेखक को कभी नहीं बन सकते पहले, उनको कहा जाए जैसे कि कोई कहानी है उसको पूरी करें। और सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे समझ में आया, जो मैंने खुद अपने लिए अपनाया, मैंने बहुत सारी मुहावरे लोगों क्या देखी, और मैंने शब्द कोश देखा, फैलम का शब्द कोश है, उसमें मुहावरे और लोगों के ऊपर तीन तीन चार चार लाइन का कारण दिया गया है, मान न मान मैं तेरा मेहमान ये दे दिया, और फैलम ने अपने शब्द कोश में चार लाइन में दे दिया इसका क्या अर्थ। मैंने क्या किया कि उन चार लाइनों को पढ़ करके, मान न मान मैं तेरा मेहमान पढ़ करके, मैंने कहानी बनाई और वो कहानी मैंने लिख ली, और ऐसे मैंने 120 मुहावरे और कहावतों को
एकत्र किया और एक एक करने गए। 160 पेज की किताब बन गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मैंने कल्पना की कि जैसे कोई चोर होगा, कोई दाढ़ी होगी, कोई तिनका होगा, और एक छोटी सी कहानी बना दी। किताब 2002 में छप गई, मुहावरे और लोकोक्तियों की कहानी। वो बहुत अच्छा तरीका है कि मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जिनके बारे में कोई कहानी प्रस्तुत होगी और लोक कथाओं में होगी, वो कहानियां लिखे तो बन जाती है राइटर। और जब वो जैसे ही उसने वो एक दो लिख लेगा या पैरोडी लिखता, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में उतर जाऊं, इस तरह की चाह नहीं से करके बताइए, उसको पूरा करिए, या बुन ले लो हर बोलो के मुंह से, इस तरह की चार पांच लाइन लाइन है उसका। एक और आजकल आप अगर देखते होंगे टीवी पर और मीडिया पर एक और तरीका हुआ है, जो बड़े बड़े प्रसिद्ध गीत हैं उनमें एक एक छंद जोड़ करके और वो गाते हैं, जो बड़े प्रसिद्ध हैं गीत, और जो छंद उसमें नहीं है मूल उसको डालकर कहते हैं हमने ये इसमें जोड़ा है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आजकल इस तरह के भी बच्चों को जा सकते कुछ इसमें जोड़ गए। ईदगाह कहानी में अंत में क्या होता है, या बड़े भाई साहब कहानी में ये होता है, लेकिन इसका अंत अगर बदल दिया जाए तो अगर ऐसा तो वो ये सब पहले आप समस्या पूर्ति जैसी चीजें बनाए, या अंताक्षरी जैसी चीजें जैसे कहते ना कि भाई ये अंताक्षरी अगर हम इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से तो क्या होता है, क्या अंताक्षरी को ही ड्रामा रूप में खेलने के कारण उनको मोन से अनमोन की तरफ चले जाना सीखना ही है, बच्चे खुशी हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को यदि आप नेगेटिव राय की मदद करते हैं तो उनकी ईबुक बनाकर आप मल्टीमीडिया पर या कहीं ना कहीं डाल दें, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। यदि वैसे ही करा रहे हैं तो उनको आनंद नहीं आएगा। आपने अंग्रेजी भाषा में काम किया, आप हिंदी पढ़ते हैं, आपने दोनों भाषाओं में शोध अनुसंधान किया, हर भाषा में आप लिखते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप किससे अधिक व्यक्ति के रूप में, प्रोफेसर के रूप में नहीं, लेखक के रूप में, व्यक्ति के रूप में आप किस भाषा। कैलिफोर्निया से कृष्ण कन्हैया जी देख रहे हैं, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी आपको हम प्रणाम करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी से इस समय। व्यक्ति के रूप में आप किस साहित्य के, यानी विदेशी साहित्यकारों से या भारतीय साहित्यकारों से या किस भाषा के साहित्यकारों से व्यक्ति के रूप में आप प्रभावित हैं? व्यक्ति के रूप में तो मैं सबसे अधिक प्रभावित प्रेमचंद से हुआ। उसका कारण भी ये था कि प्रेमचंद की सबसे कहानियां हमारे यहाँ बचपन से ही पढ़ा ली जाती है, दसवीं तक आते आते सारी किताबें उनकी पढ़ ली जाती है। प्रेमचंद को तो छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाने के लिए सारी दुनिया का साहित्य दिया गया और उनमें से सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ देवीदास से, जिन का भारत में आगमन भी हुआ था। लेकिन वही कहना कि देवीदास की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन मैंने उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक पुस्तक लिखने की सोची। पहले मैंने श्रद्धांजलि का एक लेख लिखा और फिर मैंने दयदा को पढ़ा। दयदा ने 40 से 50 तक किताबें लिखी और मेरी किताब 500 पेज की है। भारत में आज तक किसी ने हिंदी में दयदा पर इतनी बड़ी पुस्तक प्रकाशित नहीं की है। दयदा पर हिंदी में कोई काम नहीं हुआ। तो दयदा से मैं प्रभावित इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो परंपरा से हटकर उन्होंने खंडन किया, जिसको विखंडन कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि हम कहते हैं गोरा काला, हम काला गोरा क्यों नहीं कहते? ये मानकर चलते हैं कि इन दो पदों में बाइनरी में पहला वाला बेहतर है और दूसरा वाला बदतर है। हम ऐसा करके हम उन्होंने कहा उसको उलट दो और उलट कर देखो, तो ये बड़ी बात थी कि नहीं ऐसे सोचती। उन्होंने कहा कि हम डिफरेंस की स्पेलिंग में
ANCE पर लिखते हैं या ENCE लिखते हैं, ये बात तो तभी हमें पता चलती है जब हम लिखा हुआ देखते हैं। तो पहले लेखन आया या पहले मौखिक आया, हर बच्चे को आपसे भी पूछूं तो आपसे पूछूं मैं कि लेखन पहले आया या मौखिक पहले आया, पहले लोगों ने बोलना सीखा या लिखना सीखा, तो आप क्या कहेंगे? पढ़ा लिखा, थोड़ा सुना हम बांग्ला में कहते हैं। लेकिन लिखना, वो कहता है कि लिखना पहले सीखा, बोलने से पहले भी जब आदमी इशारे में बात करता था उससे पहले ही उसने लिखना सीख लिया था। और उसने एक बड़ा ही अभद्र सा दिया कि डॉग्स जो होते हैं वे भी लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन वो भी संकेत से एक निशान बनाते चलते हैं अपने मुख से, ये दिया उन्होंने, और वो लिख कर जाते हैं कि देखिए ये मेरी सीमा है। आपने देखा होगा टांग उठा करके जो डॉग करते हैं वह अपनी सीमा निर्धारित करते हैं कि यह जब मुझे लौटना है तो मुझे इस सीमा के अंदर आना है, और जो दूसरे हैं वो इस सीमा को ये लक्ष्मण रेखा के रेखा, तो उसने तो उन्होंने उलट दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले हमने वाणी नहीं सीखी बल्कि हमने पहले लिखना सीख लिया था। ये सिद्ध हो रहा है कि केव्स में जब आदमी आदि मानव था तब भी उसने कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि हमें साहित्य के उत्तर को इस प्रकार से देखना चाहिए कि उसका वह अर्थ पता चले जो अर्थ उसने दिया नहीं लेकिन वो उससे अर्थ भरित हुआ। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिस समय रत्नाकार लिख रहा होता उसको भी पता नहीं होता कि उसने लिख क्या लिया। अब जब मैं ये सुनूंगा तब मैं एक श्रोता के रूप में इसे सुनूंगा और तब मैं ये सोचूंगा अरे मैंने ये क्या बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था। तो जब कोई लिखता है, जब लेखक होता है तो वह लेखक होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पढ़ता है तो वह उस पाठ का पाठक हो जाता है और उसकी दृष्टि बदल जाती है। तो इसलिए हमें जब कोई पढ़ते हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, आपके साथ पीढ़ी नहीं बता सकते तुलसीदास जी क्या कहते हैं क्योंकि आप तो थे ही नहीं, पता नहीं तुलसीदास जी क्या कहते होंगे, ये तो आप कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं तुलसीदास जी कहते हैं या कबीरदास जी के मतानुसार, ऐसी बात नहीं हो सकता है कबीरदास जी ने कहा ये मत हो ही ना जो आपने इनको दे दिया। उसने कहा आप पाठक के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, इसी को कहा गया कॉन्ट्रा पंक्चुअल एडवर्ड सेगी ने कहा आप जो कहा गया उससे उल्टा सोच समझ करके पढ़िए कि कहीं ऐसा तो नहीं कहा, इसलिए ढोल गंवार फलानी फलानी पंक्तियों का दोबारा से पाठ होना चाहिए, इसलिए वो बड़ा हमें अच्छा लगता। और आज तो हर विश्वविद्यालय में तैयारिता को पढ़ाया जाता है, तो बहुत बड़ी चीज है तैयारिता को तो घंटों बोला जा सकता। उसने मुझे प्रभावित किया और वो पुस्तक मैंने 500,000 शब्दों की 500 एक ही किताब और है हिंदी में तैयारिता पर पूरी किताब, वो उनकी यहाँ आने पर जो जब वो यहाँ आए थे भारत में यात्रा भुगतान पर आधारित थी, मतलब वो किताब ही नहीं मुझे उस मैं ना तो कविता लिखता हूँ ना मेरी कविता प्रिय विधा है। एक धीरे धीरे करके हालत ये हो गई है कि मैं क्रिएटिव राइटर के बजाय केवल एक अगर अंतर है ऑथर और राइटर, अगर कोई अंतर होता है ऑथर में और राइटर में, एक होता है ऑथर तो वो कहता है मैं ऑथरिटी हूँ, इसमें ये मैं तो मैं राइटर हूं
ऑथर नहीं, मैं राइट, मैं लिखता हूं, मैं वो लिखता हूं जो मुझसे लिखवाया जाता है। मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर मैं द्रौपदी मुर्मू पर लिखता हूं तो वह पुस्तक मेरे नाम से नहीं लिखती है, द्रौपदी मुर्मू के नाम से लिखती है, या अमेरिकन राष्ट्रपति पर लिखता हूं, या मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर लिखता हूं तो उनके नाम से लिखती है। तो मैं राइटर हूं, ऑथर नहीं हूं। ऑथर होते हैं वे लोग जो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कभी कहता है वो कहते हैं, मैं तो दूसरों की बात कहता हूं, मैं दूसरों की बात पेश करता हूं। इसमें मेरा केवल यही है कि मैं तो पात्र बनकर के काम करता हूं, मैं उसको आई एम ए प्रेजेंटर। हाँ, वो व्यंग लेखन का एक उम्र होती है। एक बार जब यही थे हम पूर्ण कुंभ नाम के पत्रकार होते हैं, उसमें लिखने का मौका मिला तो व्यंग लिखना शुरू कर दिया। अब उसका कारण यह था कि तत्कालीन कवि समाज में मैं जाया करता था और मैं हर कवि था, लेखक था, श्रोता बनता जाता था और कई बार तो ले जाया जाता था, मैं कुछ नहीं करता था। और जैसे सब पत्नियां होती हैं, मेरी पत्नी बड़ी परेशान हो गई कि मैं जाता क्यों, जब मैं तो वहां कोई कलकत्ता नहीं पढ़ा पाता और मैं अपना पूरा छुट्टी का दिन बर्बाद कर देता। जब वो अखबार में चित्र देखती, कई बार ऐसा होता था कि मेरा भी चित्र उसमें आ जाता था, तो मेरी पत्नी फिर स्वाभाविक था नीचे जो नाम लिखे हुए थे उसमें देखती थी कि मेरा नाम भी होगा ना उसमें चित्र जब है, लेकिन उसमें लिखा रहता था फलाना ठिकाना सलाना और अन्य। तो मेरी पत्नी जब मुझसे पूछती थी कि तुम्हारा तो नाम तक नहीं आता इसमें, अब जाते हो वहां पर मैंने फोटो पर आया नाम तो नहीं है, मैंने कहा ये नाम जो है ये और अन्य में है, जो और अन्य लिखा है इसमें मेरा नाम है। तो एक दिन ऐसा हुआ और वो स्वतंत्र वार्ता का ही जो है ये कहते थे, एक दिन वो नाम मेरा छप गया, एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरा नाम आ गया। तो वहां से मैंने व्यंग लिखना शुरू किया और उस व्यंग का नाम था और अन्य, कि भाई किस प्रकार से एक व्यक्ति जो और अन्य था उसका नाम था, तो वहां से व्यंग पैदा होगा। और फिर लगातार हर महीने लिखना होता तो वो ज्यादातर व्यंग ऐसे हैं जो आपस के लोगों पर एक दूसरे पर किए गए हैं। एक बार तुलसीदास जी की हो रही थी एक गोष्ठी और उसमें किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया और एक श्रोता वहां पर पकड़ पड़े, वहां साहब आप दाढ़ी रख करके ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो दाढ़ी वाले प्रोफेसर नाराज हो गए, वो बन गया एक बंद पूरी कथा बन गई। एक बार एक प्रोफेसर थे वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरे हाथ पकड़ लिया, तुमने इनकी ये कवित्री हैं इनको महादेव वर्मा से तुम तुलना कैसे कर दी, ये तो लोकल कवित्री है, इनकी तुलना कैसे कर दी, उनकी किताब का लोकार्पण हो रहा था। मैंने कहा इन्होंने काजू की किया सब कुछ नहीं, तो सारे जो व्यंग थे। और मैं इसलिए वेंकटेश शास्त्री के नाम से लिखता था क्योंकि वो सारे व्यंग अपने आसपास के लोगों पर ही थे, अगर आप पता करें तो उनका कवित्री का नाम प्रोफेसर का नाम पता चल जाएगा आपको। या एक प्रोफेसर थे वो आते थे वो बैठ करके पीछे पार्ले जी के बिस्किट खाते रहते थे गोष्ठी में, या वो देर से आ रहा है, वो सारी की सारी चीजें जो हम सब लोग करते थे वो सारी की सारी चीजें वेंकटेश शास्त्री के नाम से मैं लिख देता था, जिससे मुझे खुशी होती और जो पढ़ने वाले थे उनको पता चल जाता था कि हमारे बारे में। फिर जब थोड़ा सा मुझे साहस बढ़ गया तब मैंने फिर कुछ बड़ी चीजों पर भी लिखना शुरू किया और वो भी मैंने अपने नाम से और वो वेंकटेश शास्त्री का
अच्छा ये तो सब हो गया, लेकिन कई कई बार आप कभी कुछ शैतानियां भी करते हैं, एक आध शैतानी बताइए जो आपने हैदराबाद के लेखकों के साथ की हो। हाँ ऐसी शैतानी भी कर दी जाती है, वो ये है कि कई बार कहीं किसी गोष्ठी में या कहीं जाकर के जैसे कारवाड़ में एक बार हम गए और हम लोग ये करते थे कि अपने रूम में जाकर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसके बाद रूम में जाकर के और इतना इतनी उत्कंडता करते थे कि लोग आ जाते थे हमारे साथ, हमारे पास कोई तैयारी नहीं होता था कि उनके साथ में कमरा शेयर करें, क्योंकि उसको लगता था कि नहीं ये तो काफी ये करेंगे, हम लोग कविताएं लिखने लगते या एक छोटी सी कहीं पड़ी होगी मेरी डायरी तो उसमें हमने मैंने कई हास्य कविताएं दादा हाथी टाइप के फिर शुरू कर दी, लेकिन वो एक दूसरे पर शुद्ध हास्य रंग था और ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती थी कि जिनसे कई बार ऐसा हो जाता था कि लोग बुरा भी मान जाते। उपाधि दान, हाँ एक बार, हाँ उपाधि दान तो बड़ी है। ये अप्रैल आता था, 1 अप्रैल तो अप्रैल के समय हमने सोचा, अभी पहले दिख रहा था कि जितने हमारे कवि हैं लेखक हैं और बड़े बड़े लोग हैं यहाँ हैदराबाद के, यहाँ पर एक विद्यार्थी जितने तो वो गुलाब ला करके तो उससे संपर्क करते थे, हम लोग बड़े बड़े मार्तंड और फलाने फलाने और बड़े बड़ी वो दिया करते थे डिग्री में, बड़े बड़े फील्ड और बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे और बहुत उपाधि मिलती थी। तो मैंने देखा कि देखते हैं भाई आज हम भी उपाधि देते हैं, तो एक साइड हमने एक काम शुरू किया, एक फॉर्मा बनाया कि आपको स्वयंभू विश्वविद्यालय से मानद उपाधि देने का निर्णय लिया गया है और यदि आप इस पर प्रसिद्ध हो तो कार्यक्रम कर साइन कर दिया था, साइन तो किसी और के नाम भी किसी और का था, विश्वविद्यालय का नाम था स्वयंभू विश्वविद्यालय, ये बनाया हमने उसी को। उसके बाद ये देखना था कितने लोग इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, हमारा तो कोई खर्च नहीं हुआ कि 5 रुपए का लिफाफे में रख के डाल दिए जाते, 100-200 रुपए लगे खर्च हो गए, वहां से प्रतिक्रियाएं तो आनी शुरू हुई, वो अलग कई लोगों ने अखबार को वो देख करके कि हमारा हमें ये देने का निर्णय हुआ है अखबार को विज्ञप्ति बना करते हैं, मैं तो कुछ भेजना नहीं था किसी को, किसी को कुछ नहीं देना था। नहीं पूर्ण कुंभ में जपने के लिए हमारे पास ही आ गया, और ऐसे लोग जिनकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा वो बहुत बड़े लोग थे हैदराबाद के, हम जैसे छोटे मोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े लोग थे जो एक अगर यहाँ कोई लेवल बनाया है तो वो एक ग्रेड के लोग थे जिन्होंने उसको सच मान लिया, ये नहीं देखा कि स्वयंभू विश्वविद्यालय नाम का कोई विश्वविद्यालय है ही नहीं आपको, लेकिन इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में पुरस्कार पाने की ही लालसा होती है कि जब मैंने एक समय खड़े होकर के ये कहा एक सभा में कि मुझे तो आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला है, तो मंच पर बैठे हुए कुछ लोग बहुत ही नाराज हो गए कि आप हम पर व्यंग कर रहे हैं क्योंकि हमें पुरस्कार मिला, जबकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था किसी को व्यंग करने, लेकिन जब मैंने कहा मुझे तो मैंने तो इतनी किताबें लिखी मुझे तो पुरस्कार नहीं मिला, तो भी लोगों को बुरा लगा क्योंकि पुरस्कार लेने की और पुरस्कार देने की ऐसी हैदराबाद में प्रथा है कि इससे शायद ही कोई बचा हो, हर व्यक्ति अपने बायोडेटा में 2-4 पुरस्कार हो गए, नहीं तो किताब भी नहीं छप मजा ही नहीं आता किताब के पास पुरस्कार देने का, तो ऐसा भी कई बार सोचा गया, हमने ये सोचा कि हम अपने पूर्वजों के अपने दादा नाना चाचा इनके नाम से पुरस्कार देना शुक्र है जो भी है और तो भी लोग लेंगे, मैंने बताया ना कि एक बार मेरी पत्रिका में पुरस्कार कहीं पड़ा होगा, पुरस्कार में क्या है कि कागज पर लिखिए और उसको कलर प्रिंट करा लीजिए दे दीजिए, तो पुरस्कार की राजनीति तो है, हम लोग चाहते हैं और वह एक तरह से ठीक भी है, यदि हम मेहनत करते हैं तो उस
व्यवस्था रखती तो हमारा समाज उसको रेखांकित करे, ये हमारी इच्छा को दूरी भी नहीं है। हिंदी में ही ऐसा नहीं होता कि हम आपस में इस तरह का एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करते, और जो लोग प्रोत्साहित करते हैं वो वास्तव में प्रोत्साहित भी कर रहे होते हैं। बड़े बड़े पुरस्कार भी हों या सरकारी भी हों, उनमें सब में ही कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देता है, इसलिए उन पुरस्कारों का नाट्य कम हो गया। और इसीलिए जो लोग करते हैं मतलब जो कारण मिला वो भी वास्तव में अपने ऊपर भी व्यंग कर रहे होते हैं, इस समय या अपने को धिक्कार रहे होते हैं कि हम उस लाइन में खड़े तो रहे लेकिन इसने दिया सर। चैट जीपीटी तो इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है,
साहित्य और कविता मन की बात कही जाती है, तो ChatGPT के द्वारा कविता लिखवाई जाए या कहानी लिखवाई जाए तो क्या वो सच्चा साहित्य है? वो साहित्य नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है साहित्य की विविधताओं में आप जो मशीनीकृत साहित्य को का भी कॉलम आने लगे बाद में कि भाई मशीनीकृत साहित्य भी होता है जो मशीनों से बनाया जाता है। आप एक बात और ध्यान रखिए, मैंने राग दरबारी का जो बताया था कल परसों, मैंने राग दरबारी एक विश्वविद्यालय में राग दरबारी उपन्यास अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, जो राग दरबारी का अंग्रेजी। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि राग दरबारी का एक आउटलाइन परिचय दीजिए, तो उसने राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल के बारे में एक पैराग्राफ मुझे दिया और कहा कि इनका राग दरबारी उपन्यास है और बड़ा प्रसिद्ध है, इसको पुरस्कार मिले, और फिर उसने मुझे कहानी दी राग दरबारी। तो कहानी उसने दी कि एक राजा था, उसके राग दरबार में दरबारी था, उसने एक राग गाया जैसे वो महबूबा फिल्म में राजेश खन्ना और जो है हेमा मालिनी की जो फिल्म थी वो कहानी उसने दी। तो मैंने उससे कहा ChatGPT से कि भाई ये तो नहीं है कहानी, कह रहे थे तो ChatGPT कहा कि मेरी कि मैं राग दरबारी। लेकिन अगर आप कहें कि आप मॉबी डिक की दे दीजिए, यदि आप कहें कि शेक्सपियर के बनाने नाटक की कहानी दे दीजिए तो वो बहू आपको देगा। इससे एक प्रसंग ये भी निकलता है कि हमें चाहिए कि हम अपनी भाषाओं को वहाँ तक पहुँचाएं कि जब राग दरबारी कोई मशीन राग दरबारी की वही कथा हमें दे जो है, उसके लिए भी समाज के वर्ग को उस साहित्य से जुड़ा काम करना पड़ा। ये ना हो कि हम कहें कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का सारांश में बताइए और वो हमें ईदगाह पर एक निबंध दे देते हैं। अभी तो वो ईदगाह पर निबंध दे सकता है, कहानी नहीं दे सकता, हाँ इतना ही होगा उसको। हमारे साहित्य को अनुवाद के माध्यम से भी जाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर पीछे 20 साल पीछे रहेंगे। अनुवाद का महत्व क्या है? साहित्य के तो वो काल ही नहीं रहा कि जिस प्रकार, देखिए उस जमाने में जिस समय पुस्तकें जो आपने बताई लिखी जा रही थी उस समय का पाठक वर्ग और श्रोता वर्ग वो भिन्न था। उस समय साहित्य लेखन खास पाठक वर्ग के लिए था, आज ऐसा पाठक वर्ग ही नहीं है। और जो पुस्तकें या जो भी कुछ रचनाएं लिखी भी जा रही हैं उनका ऐसी बात नहीं, उनका पाठक वर्ग है लेकिन वो इतना विशाल हो गया है। देश आज़ाद होते समय जितनी जनसंख्या थी हमारे देश की उससे बहुत ज़्यादा हो गई और नया पाठक वर्ग पैदा हो रहा है। जो पुराना पाठक वर्ग था वो आगे जा करके दूसरी तरफ चला गया है, एक नया पाठक वर्ग आ रहा है और नए लेखक आ रहे हैं। तो वे सब इन रचना, अब दूसरा कोई शेक्सपियर पैदा नहीं हो सकता, दूसरा वो तुलसीदास पैदा नहीं हो सकता, वो अपने युग के थे वो चले गए। अब हमारा साहित्य का की विधाएं बदल रही हैं, अब साहित्य और दूसरी बातें, जैसे फिल्मों में पहले हीरो हुआ करता था उसके नाम से पिक्चर देखते थे, अब OTT प्लेटफॉर्म पर आने पर कहानी कंटेंट हो गया। तो अब जो है ये अंग्रेजी में तो डेथ ऑफ द ऑथर ये कह दिया गया कि लेखक मर गया है, रचना जीवित, अब रचनाएं जीवित होती हैं। और जिस तरह से काल जयी रचनाएं होती थी, आप ये ध्यान रखिए कि जो रचनाएं आप यदि अपने जो जिस विषय में आपने मास्टर किया है उस विषय का सिलेबस आज का देख लें तो वो शायद सारी किताबें नहीं होगी सिलेबस में जो आपने पढ़ी थी, पता नहीं कौन सी पुस्तकें आपने, तो वे हो गई काल जयी। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, समय आने पर
हो सकता है कि कल हमारी दृष्टि में कोई कामायनी जैसी पुस्तक आए जो अभी तक हमें पता नहीं है इस समय, हो सकता है, लेकिन हम कितना पढ़ते हैं, हमारे पास तो नहीं, या जो नाटक लेके जा रहे हैं या जो देखे जा रहे हैं, हो सकता है। तो मित्रों, हम अभी तक देख सुन रहे थे प्रोफेसर गोपाल शर्मा को यहाँ हैदराबाद से एक अनौपचारिक बातचीत में, और इनसे बातचीत कर रही थी तीन, अब मैं देवियाँ कहूँ तो फिर पता नहीं इन्हें खराब लग जाए, तीन अत्यंत प्रतिभाशाली नव लेखिकाएं इनसे बात कर रही थी इनके लेखन के बारे में, डॉक्टर सुषमा देवी, डॉक्टर मंजू शर्मा और डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी। तो आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा, और आज इतना ही, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।